और हेडर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, वेबकैम में जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और चैट बॉक्स मिल जाता है जैसे कि चैट बॉक्स है, और ये है बैकग्राउंड। हे हेलो दोस्तों, कैसे हो? मिस्टर ऑनलाइन 24 एक्शन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप स्ट्रीम लैब्स OBS किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, किस किस इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत से लोगों ने मुझसे ये कमेंट किया है कि जब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो हम अपने सीन्स कैसे चेंज करते हैं, कि मतलब इंट्रो से आपको गेम पे जाना है, गेम से फिर आपको ऑफलाइन पे जाना, ऑफलाइन से आपको एंड्स पे जाना, जब आप स्ट्रीम एंड करते हो तो उसमें वो पोस्टर किस तरह से चेंज होते हैं, और अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो आप चैट्स कैसे पढ़े साथ के साथ ही, और साथ के साथ आप और अदर्स काम किस तरह से कर सकते हो। तो गाइस, इसमें आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है और ये सब कैसे सेटअप होता है, फटाफट से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो हल्की सी लंबी हो जाता है उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। बहुत सारी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, लो एंड PC के लिए स्पेशली मैं ये बताने वाला हूँ। जिस भी भाइयों के जो कंप्यूटर में बहुत ही कम रैम और ग्राफिक कार्ड नहीं भी होता, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी हाई एंड PC के लिए तो आप सेटिंग कर ही लोगे। तो गाइस, फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है और वहां पर टाइप करना है आपको Streamlabs OBS सेटअप। देखिए जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर टाइप हो रखा है, तो आपको ये Streamlabs की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, नंबर फर्स्ट वाली पे, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो ये कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ये सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपको OBS स्टूडियो के बारे में पता है, यही भी उसी की तरह है, उसका थोड़ा बड़ा भाई है और उसी का ही ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो देखिएगा, जिसको हम डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट से, और डाउनलोड करेंगे तो ये 185 MB का है और ये फटाफट से डाउनलोड हो जाएगा। मेरे तो कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी अच्छी है, इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए जल्दी जल्दी डाउनलोड हो रहा है। आई होप कि आपके कंप्यूटर में भी इतना ही जल्दी हो जाए, अगर नहीं हो तो थोड़ा वेट कर लीजिए। सो गाइस, डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जिस तरह से हम सभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करके इसको नेक्स्ट करके आपको इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना। देखिए ये इंस्टॉल हो गया, हम इसको रन कर लेते हैं, फिनिश हो चुका है ये सभी सॉफ्टवेयर की तरह। तो गाइज, ये ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सो गाइज, जैसे ही आपका Streamlabs OBS ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। डरिए मत, कुछ ख़तरनाक नहीं है, जैसे OBS की सेटिंग है बिल्कुल सेम ही, इसी में भी सेम उसी तरह की सेटिंग्स करनी पड़ती है हमें। तो पहले तो गाइज हम इसका एक थीम चूज़ कर लेते हैं, तो हम थीम में जाएंगे, आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ पर हमें डैशबोर्ड थीम, एडिटर और लाइव का ऑप्शन मिल जाता है। मैं चारों ये ऑप्शन आपको अभी समझाऊंगा फटाफट से। तो पहले हमें जो थीम अच्छी मिलेगी, जो फ्री थीम है, वो हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ये वाली थीम जो है ले लेते हैं गाइस, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक करा, रेड फ्रैक्चर इंटरफेस देखने को मिला, तो मैं यहाँ पर ये इंस्टॉल ओवरले कर दूंगा। सिंपल है, इंस्टॉल ओवरले, और ये देखें इंस्टॉल होना शुरू हो गया है ये, और ये इंस्टॉल हो भी गया। सो देखिए गाइस, ये इंस्टॉल हो गया है, और आपको इसमें क्या मिलेगा स्टार्टिंग में, देखिए आपको ये स्टार्टिंग सून, यानी हमारी लाइव स्ट्रीम सून स्टार्ट हो रही है। फिर यहाँ पर आपको एक लाइव सेशन मिलेगा, जिसमें देखिए सरप्राइज, यहाँ पर आपको मेरा वेबकैम देखने को मिल सकता है, और मैं आपका अपना वेबकैम भी एडजस्ट कर सकता हूँ, बताऊँगा किस तरह से। और अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो ऑफलाइन में आपको देखिए गाइस बी राइट बैक का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको एंडिंग का आ जाता है कि आपकी स्ट्रीम जो है एंड हो गई है, फिर उसके बाद ऑफलाइन का भी आ जाता है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें बिल्कुल सेटअप, मतलब बिल्कुल बिना कुछ करे हमें सब कुछ सेटअप मिल जाता है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। देखिए आपको यहाँ पर मिलता है आपका नाम, और आप ये सब चीज़ें किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वेबकैम मान लीजिए बिल्कुल गलत जगह पर लगा हुआ, हमें उसको ठीक करना है। तो ये तो हमारे हैं सीन, यानी रेड फ्रैक्चर, ये जो जहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब हमारे हैं सीन। तो और ये है हमारे सब सीन, यानी हमें स्टार्टिंग सून में क्या क्या देखने को मिल जाता है, ये देखिए ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। और लाइव सीन में क्या मिल जाता है, ये सब इसके सब सीन से नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे जो वो अलर्ट बॉक्स लिखा हुआ है, जिसमें कि आपको लाइव सीन में मिल जाता है अलर्ट्स बॉक्स, हेडर, और हेडर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, वेबकैम में जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और चैट बॉक्स मिल जाता है जैसे कि ये चैट बॉक्स है, और ये है बैकग्राउंड जो कि हम अभी डिलीट कर देंगे, जैसे कि मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ।
फिलहाल तो ये देखिए, ये मैंने डिलीट कर दिया अपना बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में तो हमें ऑब्वियसली गेम चलानी है। तो गाइज आप देख लीजिए मेरा जो वेबकैम है वो बिल्कुल भी सही जगह पे नहीं लगा हुआ है, तो मैं इसको मूव करूँगा सिंपली अपने माउस से पकड़ के और इसको नीचे ड्रैग कर लूँगा। और मैं यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकता हूँ, जैसे कि थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, तो मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा ऊपर नीचे ये देखिए खींच सकता हूँ, मैं इसको ऊपर नीचे खींच सकता हूँ ऑल्ट की प्रेस करके। जैसे कि मुझे तो यहाँ से थोड़ा कम करना है, तो मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा और इसको यहाँ से मूव कर दूँगा, और सेम हम इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेंगे। तो ये एक ट्रिक होती है गाइज। और देखें नीचे से वो थोड़ा एक्स्ट्रा निकल गया है वेब, तो उसको भी हम सेटअप कर लेते हैं किस तरह से, ऑल्ट की प्रेस करके। तो ये देखिए गाइज हो गया है। और ये एक ट्रिक होती है ऑल्ट वाली, बहुत से लोगों को नहीं पता। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर अपना नाम डालना है चैनल का, यूअर नेम। जैसे कि अब यूअर नेम में हम जाएंगे हेडर में, अब हेडर को हम नीचे खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यू फॉलोवर्स लिखे हुए हैं और न्यू डोनेशन लिखी हुई है। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब मुझे अपना नाम चेंज करना है, तो मैं नाम पे डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूअर नेम पे लिख दूँगा मैं, जैसे कि मेरा एक चैनल है गेमिंग का 4x4 गेमिंग, तो यहाँ पर मैं 4x4 गेमिंग लिख सकता हूँ। देखिए तो देखिए वहाँ पर वो चेंज होकर के 4x4 गेमिंग आ गया है। और जैसे कि ये चैट बॉक्स है, मैं ये चैट बॉक्स पसंद नहीं करता ज़्यादातर, तो मैं इस चैट बॉक्स को क्या करूँगा हटा दूंगा। मैं यहाँ से देखो इसको हाइड भी कर सकता हूँ, ये आई का बटन है, इससे दबा करके हाइड भी कर सकता हूँ और इससे दबा करके हम वापस उसको ला भी सकते हैं। तो मैं उसको सिंपली डिलीट कर दूंगा, फिलहाल तो मुझे चैटिंग नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो वो रिमूव हो गया। तो गाइस देखिए ये इस तरह का ओवरले आ गया है। और जैसे कि अगर आपको इसमें गेम कैप्चर करना है तो आप सिंपली इसमें जाएंगे, प्लस के निशान पर जाएंगे, तो आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और गाइज मैं आपको थोड़ा ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल्स में जाननी है तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है OBS स्टूडियो की। ये सॉफ्टवेयर और वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम है, बस ये उसका बड़ा भाई है, यानी इसमें थोड़ी सी चीज़ें एडवांस है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें कम है, लेकिन सेम ही सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको ओवरलेज मिल जाते हैं फ्री में, उसमें आपको ओवरलेज नहीं मिलेंगे, उसमें आपको ओवरलेज बनाने पड़ते हैं। सो गाइज देखिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि जैसे कि हमने अब गेम कैप्चर करनी है, तो गेम कैप्चर के लिए अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे कि अगर आपके पास गेमिंग कार्ड है तो आप गेम कैप्चर कर सकते हो, एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो आप डिस्प्ले भी कैप्चर कर सकते हो डिस्प्ले पर अपनी गेम प्ले करके, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं वीडियो कैप्चर, क्योंकि हम ये सेटिंग जो है आपको लो एंड पीसी के लिए बता रहा हूँ मैं, जो कि आपका लो एंड पीसी होगा यानी कम कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो आप वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक विंडो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करेंगे और ऐड सोर्स कर देंगे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पबजी मोबाइल, क्योंकि आजकल तो फिलहाल यही गेम है जो ट्रेंडिंग में चल रही है। तो देखिए गाइज अब जैसे कि मैंने ये ऐड कर दिया है, तो वो आ गई है ये रही सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर हमें नहीं चलानी, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर वो गेम चला दूंगा तो मेरे जितने भी ओवरलेस है सब ढक जाएंगे, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग करके नीचे खींच लूँगा। तो आप देख लीजिए वो नीचे खींच चुके हैं, और मैं बाकी सब चीज़ों को लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं अब वो चीज़ें चेंज नहीं करना चाहता, बस मैं गेम को लॉक नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमें गेम की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो गाइज़ अब मैं आपको पहले से ज़रा सेटिंग बता दूं कि आपको कितना बिटरेट रखना चाहिए गेम का, ताकि आप गेम प्ले कर रहे हो तो हैंग ना हो, आपकी गेम अटके ना, आपकी क्लियरिटी इंटरनेट पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे, यानी अगर आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो वो ब्लर ना हो, अच्छी लाइव स्ट्रीम दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे बिल्कुल, तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ती है। और सेटिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, जो कोने में ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ओवरले दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ आउटपुट में जाना है आपको सीधा तीसरे नंबर वाले, और आउटपुट पर जाकर सबसे पहले तो हम इसको सिंपल से एडवांस पर क्लिक करेंगे, और एडवांस में मैं ये गाइस अपना आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका सॉफ्टवेयर X264 लिखा होगा, तो इसको आपको NVENC करना है, यानी इसको अगर आप एक आपके कंप्यूटर में एक ग्राफिक कार्ड है, एक GPU है, एक तो आप ये NVENC पर क्लिक कीजिए और सिंपली नीचे आइए, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बिटरेट सेटिंग करना है। और गाइस बिटरेट आपका डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर, अगर आपके इंटरनेट 5 Mbps पर सेकंड है तो आपको बिटरेट 1500 से 1800 के बीच में रखना चाहिए। अगर इंटरनेट 10 Mbps पर सेकंड का है तो आपको कम से कम
2000 या 2500 पे अपना बिटरेट रखना चाहिए। अगर आपका नेट 50 Mbps का है तो आप 5000 से 10000 के भी करीब बिटरेट रख सकते हैं, उससे बहुत ही शार्प क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी अपने इंटरनेट आपके यूट्यूब चैनल पर। लेकिन गाइज हमारा कौन उससे लेकिन अब ज़्यादा बिटरेट सेट करने से क्या होगा कि आपके GPU यानी आपका जो ग्राफिक कार्ड है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको मेरे हिसाब से तो 2500 बिटरेट रखना चाहिए जिससे कि आपका इंटरनेट भी बिल्कुल सही रहेगा, यानी आपका 10 Mbps का इंटरनेट तो होगा, क्योंकि 5 Mbps के इंटरनेट में अगर आप करने जाओगे लाइव स्ट्रीम तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि गाइज आपका इंटरनेट, आपकी गेम भी इंटरनेट खींचेगी, आपका OBS भी इंटरनेट खींचेगा, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे वो भी आपका इंटरनेट खींचेगा, तो प्रॉपर हमें 5 Mbps की स्पीड नहीं मिल पाएगी अपने लाइव स्ट्रीम के लिए। तो उसके लिए कम से कम आपको 10 Mbps की नेट जो है लगवाना पड़ेगा अपने घर पर। तो उसके बाद गाइज इसको हम बिटरेट सेटअप करने के बाद आपको प्री सेट बाई डिफ़ॉल्ट रहने जाना है। प्रोफाइल को गाइज आपको मेन में कर देना है और इस लेवल को आपको ऑटो ही रखना है, और यहाँ पर बिटरेट फ्रेम पे आप 2 कर देंगे जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, बाकी सबको आप ऐसे छोड़ देंगे और इसको डन कर देंगे। ठीक है गाइज ये तो हो गया हमारा बिटरेट सेटअप, यानी हमारा बिटरेट सेटअप हो चुका है, यानी हमारी क्लियरिटी अच्छी आ जाएगी यूट्यूब पे। अब हमें सेटअप करना है अपना गेम को। तो गेम के लिए गाइज पहले हमने आउटपुट किया था और ऑडियो को हम छोड़ देंगे, ऑडियो बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, तो हम वीडियो पर क्लिक करेंगे और वीडियो पर गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आपका बेस कैनवस है वो आपका 1280 यानी 1280 से 720 पे होना चाहिए। अगर गाइज आप ये 1080 पे चलाओगे यानी हाई HD क्वालिटी पर आप लाइव स्ट्रीम देखोगे अपनी और आपकी आउटपुट क्लियरिटी भी इतनी रखोगे, तो इससे आपके जो GPU है यानी आपका CPU उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं लो एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए बता रहा हूँ, यानी जिसके कंप्यूटर में बहुत ही कम चीज़ें होती है, कम रैम होती है, कम CPU होता है, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो इसमें आपको सिंपली 720 सेलेक्ट करना है, और नीचे वाले में भी अगर आप लाइव स्ट्रीम 720 पिक्सल पे करना चाहते हैं तो 720 पिक्सल कीजिए इसको, अगर आप हाई पे करना HD पे करना चाहते हैं तो 1080 पे कीजिए यानी HD पे कीजिए। और डाउनलोड स्केल फिल्टर आपका ये 16 पर होना चाहिए, अगर आप 2500 बिटरेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये 16 पे होना चाहिए, अगर आप 3000 या 10000 के करीब कर रहे हैं बिटरेट सेटअप तो आपका ये 32 पर होना चाहिए, तो ये 16 पर अभी होना चाहिए। यहाँ पर आप FPS वैल्यू जो है आपकी यही बाय डिफ़ॉल्ट यही रहती है तो इसी को ही रखें। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो आप 60 FPS पे कीजिए लाइव स्ट्रीम, अगर नहीं है तो आप 30 पर ही कीजिए, और बाकी सब चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। बस एडवांस पे अगर आपको अपनी गेम स्मूथ चलानी है तो आप इसको प्रोसेस प्रायोरिटी को आप हाई से आइडल पे कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके गेम में लैग नहीं होगी, गेम पे पूरे FPS मिलेंगे और आप अपनी लाइव स्ट्रीम पर भी पूरे FPS दे पाओगे। तो आप इसको आइडल कीजिए, ये मेरा अंदर का ट्रिक है, मेरा यूज़ किया हुआ ट्रिक है, मैं भी यही सेटिंग यूज़ करता हूँ। तो बाकी इसको गाइस डन कर दीजिए, आपका स्ट्रीम लैब OBS बिल्कुल सेटअप हो चुका है। बस आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी गेम स्टार्ट करनी है। देखिए मैं गेम स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट से, ये मेरी गेम स्टार्ट हो गई है और इस गेम को मैं कर दूंगा प्ले। तो जैसे ही मैंने गेम प्ले की तो जैसे कि देख रहे हैं आप, ये मेरी गेम प्ले स्टार्ट हो गई, तो मैं अपना इधर दूसरी साइड स्ट्रीम लैब OBS पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं पीछे वो गेम चल रही है। और गाइज एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ये गेम प्ले करोगे तो वो आपको मिनिमाइज नहीं करनी है, अगर आप मिनिमाइज करोगे तो आपकी गेम शो नहीं होगी इसमें, तो गेम आपको मैक्सिमाइज ही रखनी है, ये रही ठीक है। और आपको स्ट्रीम लैब उसके ऊपर लेके आना है, देखिए वो गेम नीचे ऑन है। तो अब आपको गेम स्टार्ट करनी है तो आप ये जो पबजी मोबाइल हमने लिखा था इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये आएगा लिखा हुआ, और जैसे ही आप विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेंशेंट गेमिंग बड़ी जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गेम कैप्चर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसको छोटा कर लेते हैं पकड़ के, वो छोटा करके यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। और गाइस देखिए मैंने इसको पूरा बड़ा नहीं किया है, आधा आधा रखा है मैंने इसको, आधा इसलिए रखा है क्योंकि जब हम अपनी गेम को मैक्सिमाइज करेंगे यहाँ से, ये देखिए तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और गाइज आपको चेंज करने के लिए यानी अपनी स्क्रीन स्विच करने के लिए आप ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ कीजिए, तो आप अपनी इस तरह से आप अपने फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं स्ट्रीम लैब पर स्विच करता हूँ, तो ये देखिए गाइज मैंने स्ट्रीम लैब पर स्विच कर लिया है
और मेरी गेम अभी भी आधी आ रही है, तो हम इसको खींच के स्विच कर लेते हैं फुल पर। ठीक है गाइस, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ इसको स्विच। तो ये देखिए, ये मेरी गेम स्विच जो है लगभग हो गई है, ये लीजिए। अब गाइस देखिए, मेरी गेम बिल्कुल स्टार्ट हो गई है और अब मैं गेम खेल सकता हूँ। मुझे इनविटेशन आने भी स्टार्ट हो गए हैं लोगों के। और गाइस जैसे कि देखिए कि मैं अभी आप यहाँ पर कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आपको अपना ये पूरा स्क्रीन नहीं लेना, आपको क्रोमा की यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, आप वेब कैम में जाएंगे और ये जो स्ट्रीम लैब, ये जो फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं इस पे वेब कैम पर, वेब कैम फ्रेम को आप हाइड कर दोगे और जो आपका वेब कैम है उस पर आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप फिल्टर में जाओगे और फिल्टर में जाने के बाद आपको सिंपली क्रोमा की जो है वो सेलेक्ट कर। सो गाइस, आप यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको क्रोमा की फाइल टाइप में आपको क्रोमा की सेलेक्ट कर। सो गाइस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और मैं इसको देखेगा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए क्रोमा की, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके डन कर दूँगा। तो देखिए ये क्रोमा की कट हो चुका। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा अपने वेबकैम को ताकि मेरी पूरी शक्ल जो है दिख सके। तो देखिए गाइस, यहाँ से हम इसको जो है थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई किस तरह से आपको अपनी क्लियरिटी चाहिए। तो ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं एज को और ये की फ्रेम को। और गाइस, ये आपको वेबकैम किस तरह से पूरा सेटअप करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि बहुत ही माचा पुट्टी करनी पड़ती है, उसके बाद ये सेटअप हो पाता है। तो देखिए, मैं इसको डन कर देता हूँ। यहाँ पर लगभग ये डन हो गया है। तो मैं इसका ओल्ट खींच के, जैसे कि हमने छोटा किया था, इसको हम बड़ा करते हैं वापस से वेब पर वेब कैम को। ये हमने खींचा नीचे और साइड से हम इसको थोड़ा सा और क्रॉप कर देते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा वेब कैम लगभग सेट हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, डोनेशन के ऊपर सेट कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह का ओवरले आपकी गेम का हो चुका है, यानी आपकी गेम पूरी रेडी है स्टार्ट होने के लिए। बस आपको अपनी गेम प्ले करनी है और यहाँ पर कमेंट्री करनी है बैठ के, और गेम खेलना है और दूसरे लोगों को भी खिलाना है गेम। और जो भी आपके अलर्ट्स वगैरह आएंगे, गेम्स वगैरह होंगे, वो सब इसके अंदर ऑलरेडी सेट है। मुझे तो गाइस इसमें एक दो सेटिंग नहीं दिखाई, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके पहले से ही सेटअप कर चुका था, इसलिए वो सेटिंग मुझे नहीं दिखाई। क्योंकि जब आप इसको नया इंस्टॉल करोगे तो ये आपसे आपके YouTube चैनल पर लॉगिंग करने के लिए मांगेगा, बस आपको वहाँ से लॉगिंग कर लेना है। और इस सॉफ्टवेयर में गाइस आपको ना तो कोई आपको जो की होती है लाइव की, यानी जो आप की को कॉपी करके इंस्टॉल करते हैं इसमें, ना तो वो आपको इसमें डालनी पड़ेगी और ना ही आपको उसमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी उस की को आपकी की को जो है फाइंड कर लेता है, क्योंकि ये OBS लाइव स्ट्रीम आपके चैनल से ही जुड़ा होता है। सो गाइस, सिंपली आपको बस गो पे क्लिक करना है और आप लाइव आना स्टार्ट हो जाओगे अपने चैनल पर। बस गाइस इतना ही था। देखिए, जब आप अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करोगे तो आप स्टार्टिंग पर क्लिक करना, आपके यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। और जब आप लाइव आ जाओगे तो आप इस पे करना हेलो गाइस, कैसे हो, वेलकम टू दिस स्ट्रीम। और यहाँ पर गाइस आप अपनी चैट भी पढ़ सकते हो साथ के साथ। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये तो गेम है। ये देखिए, जब आप इस वाले चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे साथ के साथ चैट भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, इधर वाले सेक्शन में जहाँ पे मैं माउस हिला रहा हूँ वहाँ पर आप चैट भी देख सकते हैं। अभी तो मैं लाइव नहीं हूँ, तो वरना मैं आपको दिखा देता। तो यहाँ पर आपकी चैटिंग चलेगी इस सेक्शन में, जहाँ पर आपको ऑफलाइन शो हो रहा है, और आप व्यूवर भी देख सकते हैं, ये कितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल की ना यूज़ कर पाए तब भी आप अपनी चैटें देख सकते हैं। लेकिन गाइज, आपको एक एक्स्ट्रा डिवाइस तो चाहिए होगा चैटिंग पढ़ने के लिए, क्योंकि आप गेम खेलोगे या फिर अपनी लाइव देखोगे या चैट देखोगे। तो गाइस यही है सीन। अगर आपको कहीं जाना है, जैसे कि पानी पीने जाना है या कुछ करने जाना है गेम के दौरान, तो आप बी राइट बैक लिख सकते हो, बीजी सेविंग द वर्ल्ड। और उसके बाद आपको लाइव स्ट्रीम एंड करनी है तो आप एंड पे क्लिक कीजिए, लाइव स्ट्रीम एंड होने जा रही है। और ऑफलाइन चले जाओगे तो आप ऑफलाइन पे भी क्लिक कर सकते हो कि आप अभी ऑफलाइन हो, अभी स्ट्रीम नहीं स्टार्ट हो रही है। सो गाइस, कुछ इस तरह से था ये सेटिंग। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक और चैनल है, मैं उस चैनल के कमेंट को करके पिन कर दूंगा, कमेंट को 4x4 gaming। उस चैनल पे मैं लाइव रहता हूँ, दिन में 2 टाइम लाइव रहता हूँ, सुबह और रात को। सो गाइस,
आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उस चैनल पे आइए, विजिट कीजिए 4x4 गेमिंग पर। मैं आपको लाइव बताऊंगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आपके क्वेश्चंस को हल करूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।